हेलो एवरीवन। अब आपका ना क्लास 7 का SST का पेपर है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का एनुअल एग्जाम का, मॉर्निंग का और इवनिंग शिफ्ट का। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं, पिछले साल का पेपर है। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर प्रीवियस ईयर का पेपर डाल दो, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सके। तो ये जो पेपर है आपके प्रैक्टिस के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आपको इस वीडियो में आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप अपने ना आंसर चेक करेंगे। पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने आंसर मैच करो, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन के आंसर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला है कि किसी जीवित प्राणी, मतलब कि जो इंसान है, जिंदा है, उनके चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो गए, स्थान हो गए, वस्तु हो गए, प्रकृति हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल? नहीं। जैव मंडल? नहीं। पर्यावरण? यस, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास जो होते हैं, खेती, पर्यावरण, जो जो होते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, खेत हो गए, है ना, तो उनको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में, दोनों में आपको दिखा रहा हूँ पेपर और आंसर की आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हिंदी में होगी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में होगी इंग्लिश मीडियम। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं जैव मंडल, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है ना, उसमें आंसर छिपा होता है, तो आप इनको आराम से पढ़ो। अब जैसे ही लिखा है, वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो जो है ना, गंगा के, ठीक है, तट पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आप सारे पढ़ो और फिर ना उनके आंसर दो। जो यहाँ पे टिक लगे हैं ना, उनको तो मत देखना, वो गलत भी हो सकते हैं। आंसर की मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, फिर आप अपने आंसर मैच करना, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये पढ़ो, ठीक है, और देखो आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। पूरा पेपर देख लो, मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ।
अब मैं आपको ना SST की हिंदी मीडियम में आंसर की दिखा रहा हूँ, ओनरशिप की, जो अभी मैंने आपको पेपर दिखाया था। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। तो ये आंसर थे, पहले का पर्यावरण था, जैव मंडल था, गंगा था, ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे। तो अब आप अपने ना आंसर चेक करो कि आपके कितने सही है कितने गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। और जो लास्ट में मैप है ना, उसको बिल्कुल स्किप मत करना, मैप की तैयारी करना, ठीक है ना। इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों का पेपर दिखाऊंगा, अभी मॉर्निंग शिफ्ट का देख लो, फिर इवनिंग शिफ्ट का भी देख लेना, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसकी वीडियो दे दूंगा। अभी ये ना इंग्लिश मीडियम में है आंसर की, 7 क्लास से SST की, ठीक है। तो देख लो, पहले का एनवायरनमेंट था ना, पर्यावरण, फटाफट से इवन शिफ्ट का भी पेपर देख लो।